टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। चलें तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे। इसमें करेले शामिल करेंगे। करेले को मैंने नमक लगा के धो के रख लिया था। और गर्म ऑयल में हम करेले शामिल करेंगे और अब इसको हिलाना है अच्छे से। 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे करेले फ्राई होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको हमें मज़ीद फ्राई करना है क्योंकि करेले बहुत कड़वे होते हैं और ये अभी सीज़न के स्टार्ट के करेले हैं तो कुछ ज़्यादा कड़वे होंगे, तो इसलिए आप अच्छे से फ्राई कर लें, इससे कड़वापन कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। अब उसी ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे। ये हमने प्याज डाल लिए। प्याज को कुछ टाइम के लिए फ्राई करना है, 10 to 20 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। उसके बाद इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम नमक डालेंगे, हसबे जायका, हल्दी शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितने आपको चाहिए, क्योंकि ये करेला है तो मैं तो इसको स्पाइसी बनाती हूँ, स्पाइसी लाइक करते हैं सब लोग, सो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने अब कुटी मिर्च डाली है। उसके बाद हम दही डाल रहे हैं, 4 से 5 चम्मच दही के डालने हैं। दही डालने से जो करेले का कड़वापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्याज और इन्ग्रीडियंट्स इतना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसकी हमें अच्छी से बुनाई कर लेनी है। हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले। हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद कवर करके पकाना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। ये 2 से 3 नींबू का रस है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही सादा, आसान, इजी पीजी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।